हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय एड चैनल गाइस। हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था किस तरह से अपनी एप्लीकेशन को सेटअप करते हैं, उसको सेटअप करना देखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि हमने गाइस पिछली वीडियो में डिस्कस किया था ESRC मेन और वेब ऐप के अंदर जो web.xml फाइल होती है web-inf के अंदर, इसके बिना क्या सर्वर पर हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉय की जा सकती है, तो उसी को देखने वाले हैं। मतलब कि बिना web.xml फाइल के हम लोग सर्वर पे अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने वाले हैं। लेकिन गाइस उससे पहले करना क्या है, कुछ चीज़ें हैं जो हमें pom.xml फाइल में कॉन्फ़िगर करना है। अभी गाइस हम लोगों को पता है कि हम लोग जब भी अपनी स्प्रिंग MVC की वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते थे तो उस पर राइट क्लिक करके हम लोग बिल्ड पाथ पे जाते थे, और कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ में जाकर हम लोग डिपेंडेंसीज को मतलब प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होंगे, उनके लिए मैं बता दूँ, जो बिगिनर्स हैं स्पेशली उनके लिए मैं बता रहा हूँ। एक होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन, और यहाँ पे जो डिपेंडेंसी मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखो क्लासेस और फंक्शंस और कंपोनेंट और कोडिंग में जब हम बात करते हैं तो उनके बीच में जो डिपेंडेंसी होती है वो अलग चीज़ है, उसको रिजॉल्व करते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन से। यहाँ पे प्रोजेक्ट की क्या डिपेंडेंसीज हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि प्रोजेक्ट के टर्म्स में, जैसे कि हमें अभी क्या यहाँ पे एक्सटर्नल स्प्रिंग MVC प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो ऐड एक्सटर्नल करके हमें स्प्रिंग की जार फाइल्स ऐड करनी पड़ेंगी, तो ये प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी है। अगर हमें डेटाबेस से कनेक्टिविटी चाहिए तो हमें MySQL या फिर कोई भी डेटाबेस से कनेक्टिविटी, उसके कनेक्टर जार फाइल्स को हमें प्रोजेक्ट में ऐड करना पड़ेगा, तो ये प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज होते हैं। अब गाइस क्या है, pom.xml फाइल वही रोल प्ले करता है कि हम इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं उन डिपेंडेंसीज को कॉन्फ़िगर कर देते हैं। मावेन टूल क्या करता है कि ऑटोमेटिकली वो डिपेंडेंसीज को हैंडल करता है, वो हमें प्रोवाइड कर देता है, तो हमें मैनुअल जो है उन्हें डाउनलोड नहीं करना है, और डाउनलोड करके कहीं पे अपने हार्ड डिस्क में रख के उन्हें ऐड नहीं करना है बार बार। यही फ़ायदा है यहाँ पे pom.xml फाइल का, राइट। लेकिन अब कैसे करेंगे, लेट से मान लो कि स्प्रिंग MVC प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो करना है क्या आपको गाइस, यहाँ पे आना, आपको MVN रिपोजिटरी पे जाना होगा, ठीक है। और तो यहाँ पे आपको करना क्या है, लेट से स्प्रिंग MVC वेब, ठीक है, आपको सर्च करना है स्प्रिंग MVC वेब। तो ये फर्स्ट वाला मुझे दिख रहा है गाइस, तो स्प्रिंग वेब MVC एक्चुअली, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे जो भी आपको वर्जन यूज़ करना है यहाँ पे सारे वर्जन्स आ जाएंगे गाइस। तो यहाँ पे मैं लेटेस्ट वर्जन यूज़ करने वाला हूँ 5.2.5, ठीक है, जो मार्च में रिलीज़ हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है गाइस स्नैपशॉट, ये जो आपको पीस ऑफ कोड दिख रहा है, आपको जस्ट कॉपी करना है, और कॉपी करके करना है क्या गाइस, आपको अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पे डिपेंडेंसीज का सेक्शन दिख रहा होगा, ये वाला डिपेंडेंसीज, इसको जब एक्सपैंड करोगे तो इसके अंदर एक डिपेंडेंसी का सेक्शन ऑलरेडी है जो पहले से था, यहाँ पे स्पेस आपको देना है, और यहाँ पे जो आपने कॉपी किया उसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। और मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट F फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, राइट। उसके बाद गाइस इतना करने के बाद करना क्या है, आपको जस्ट यहाँ से यहाँ पे सेव करोगे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा प्रोजेक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि चालू हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएंगे जो भी रिसोर्स होंगे इंटरनेट से, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके लिए वेट करते हैं गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस अभी क्रॉस सिंबल आ चुका है। तो गाइस आपको करना क्या है, जस्ट मिनट, मैवन पे जाना है, और यहाँ पे अपडेट, तो फाइनली आपका एक बार अपडेट हो जाएगा गाइस। और गाइस आपको क्या करना है, आप एक बार ही राइट क्लिक करना है, आपको रन एज और मैवन इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि बिल्ड हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन, और कोई भी एरर होगा तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं उसका स्टेटस आ गया बिल्ड सक्सेस, इट मीन्स दैट कि कोई भी एरर नहीं है और हमारी वेब एप्लीकेशन प्रॉपरली कॉन्फिगर हो चुकी है और अभी रेडी है, राइट। फाइन, अब गाइस यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ web.xml फाइल को रिमूव करने वाले हैं अपनी एप्लीकेशन से, और हम लोग एक क्लास बनाएंगे, मतलब कि जावा बेस्ड चीज़ों को कॉन्फ़िगर करने वाले हैं इंस्टेड ऑफ web.xml फाइल, राइट। लेकिन यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक बारी मैं चीज़ों को रिकॉल करा देता हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से सारी चीज़ें समझ पाओ। मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा, फिर भी मैं एक बारी रिकॉल करता हूँ, राइट। मतलब कि यहाँ पे गाइस कहने का मतलब ये है कि web.xml बेसिकली क्यों यूज़ की जाती है, उसका क्या इंपॉर्टेंट है, उसे एक बारी समझ लेते हैं फिर से, थोड़ा सा शॉर्ट वे में समझते हैं।
गाइस क्या होता है कि मान लो कि हमारे पास एक एप्लीकेशन है, जब भी हम लोग कोई वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं उसके अंदर मल्टीपल डायरेक्टरीज होती हैं और यू नो मल्टीपल फाइल्स होती हैं, राइट। और लेट्स से इसके अंदर एक डायरेक्टरी है जिसका नाम होता है वेब हाइफन INF, राइट। ओके, इस डायरेक्टरी के अंदर हमारी एक मेन फाइल होती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो होती है वेब डॉट XML फाइल, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था, राइट। और एक फाइल और होती है हाइफन सर्वलेट, राइट। अब गाइस यहाँ पे समझो गाइस, ओके यहाँ पर ओके चलिए गाइस कोई बात नहीं, आप समझ सको कि यहाँ पे क्या लिखा है। सर्वलेट स्पेलिंग अगर मिस्टेक है तो अवॉइड करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी नेम है, लेट्स से ABC, ओके। यहाँ पे मेरी हैंड राइटिंग काफ़ी गंदी है, ओके। और यहाँ पे ABC हाइफन सर्वलेट का नेम आप कुछ भी रख सकते हो, ABCD.XML, MyBeans.XML, यू कैन यूज़ योर नेम ऑल्सो, राइट। लेकिन गाइस बेसिकली वो क्या होती है, हमारी ऐप कॉन्फिग XML फाइल होती है, जिसमें हम लोग एप्लीकेशन से रिलेटेड चीज़ें कॉन्फिगर करते हैं, वो ये फाइल होती है, राइट। तो ये नेम आप कैसे चेंज कर सकते हो, जो सफिक्स में हाइफन सर्वलेट यूज़ हो रहा है वो इनिट परम के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, आई मीन चेंज कर सकते हैं, जो कि हम लोगों ने अपनी वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर रखा है, ओके फाइन। ओके अब गाइस मान लो ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, दिस इज़ योर प्रोजेक्ट। अब क्या होगा गाइस कि मान लो कि आप अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना चाहते हो किसी भी सर्वर पे, लेट्स से JBoss, Tomcat, कोई भी सर्वर है, तो लेट्स से हमारे केस में Tomcat है, ओके। तो मतलब कि जब भी हम अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे तो वो किसी ना किसी सर्वर पे रन होगी, राइट। तो हमारे केस में Tomcat है, तो Tomcat क्या करता है गाइस, बाय डिफॉल्ट सबसे पहले आपकी पूरी एप्लीकेशन को स्कैन करने के बाद सबसे पहले वो टारगेट करता है web.xml फाइल को, सो दिस वन, राइट। तो मतलब सबसे पहले वो web.xml फाइल को लोड करेगा, उसके अंदर जो भी आपने कॉन्फिगर किया, लेट्स से हम लोग अभी तक देख चुके हैं यू नो किस तरह से डिस्पैचर सर्वलेट आई मीन फ्रंट एंड कंट्रोलर को किस तरह से कॉन्फिगर किया जाता है, तो उसे कम्प्लीटली वो लोड करेगा जो कुछ भी आपने कॉन्फिगरेशन प्रोवाइड किया है। और web.xml इनडायरेक्टली पूरी तरह से लोड होने के लिए, कम्प्लीट होने के लिए, वो यू नो आपकी ऐप कॉन्फिगरेशन XML फाइल को ढूंढती है, राइट। अगर वो मिल जाती है तो प्रॉपरली आपका डिस्पैचर सर्वलेट यू नो क्रिएट हो जाता है, राइट, फ्रंट एंड कंट्रोलर क्रिएट हो जाता है। तो web.xml को रिक्वायर्ड है हाइफन सर्वलेट .xml फाइल, और web.xml फाइल किसको ज़रूरत पड़ती है, सर्वर को, क्योंकि सर्वर सबसे पहले web.xml फाइल को ढूंढता है, और web.xml फाइल आपकी ऐप कॉन्फिग XML फाइल ढूंढता है, जो मैं इस फाइल की बात अभी कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ों के बारे में पता होगा, ओके। अब गाइस यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम web.xml के बजाय हम क्या करने वाले, एक क्लास बनाने वाले हैं, लेट्स से ABC, अभी हम नेम लग लेते हैं यहाँ पे ABC, और ये हमारी क्लास है। अब गाइस बेसिक जो नेचर है सर्वर का वो क्या है, सबसे पहले वो टारगेट करता है जो कि लेगेसी चला आ रहा है गाइस, वो क्या करेगा, टारगेट web.xml को फाइंड करेगा। अब मैंने क्या कहा कि नहीं, मैं क्लास बेस्ड चीज़ों को बनाने वाला हूँ, मतलब जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो अब क्या कह रहा हूँ कि हे सर्वर प्लीज़ पिक मी, मतलब मुझे बाय डिफ़ॉल्ट आपको पिक करना है। लेकिन वो कहेगा नहीं, मैं तो अपने बेसिक नेचर को नहीं छोड़ूंगा, राइट, मैं तो जाऊँगा, तो फोर्सफुली मुझे उसे स्ट्रिक्टली बोलना पड़ेगा, नहीं यार तुम्हें मुझे ही पिक करना है। अब कैसे पिक करना है, उसके बेसिक नेचर को कैसे चेंज करना है, वो आपको बताना पड़ेगा, तभी वो बाय डिफॉल्ट अदरवाइज वो web.xml फाइल को ही टारगेट करेगा, आपके क्लास को टारगेट नहीं करेगा, राइट, ओके फाइन। इतना सफिशियंट है, होपफुली आपको पता भी चल गया होगा web.xml फाइल क्यों होती है आपके प्रोजेक्ट में, क्योंकि सर्वर उसे यूज़ करता है। नाउ इतना सफिशियंट है, अब ज़्यादा मैं बोर नहीं करूँगा, सीधे प्रैक्टिकल बढ़ते हैं, प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं आई मीन। तो गाइस यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, गाइस सबसे पहले तो हम जानते हैं web.xml फाइल एक XML फाइल यूज़ करेगी विच इज़ ऐप कॉन्फिग XML फाइल, राइट। तो उसके लिए भी XML फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे आपके केस में हो सकता है कि src/main/resources नाम का एक डायरेक्टरी दिख रहा हो, मेरे केस में नहीं है तो मैं मैनुअली क्रिएट करूँगा, ओके। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट सेलेक्ट करूँगा जो भी प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे src main, और यहाँ पे resources नाम का मुझे मैनुअल क्रिएट करना पड़ेगा। और आपके केस में गाइस एक चीज़ और है, वो नहीं दिख रहा होगा, वो तो आपको भी क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो ये है कि
SRC main Java। ये क्यों गाइस? क्योंकि यहाँ पे सारी आपकी यू नो सोर्स कोड होता है इसके अंदर, इस पर्टिकुलर पाथ के अंदर। तो जब भी यू नो एप्लीकेशन रन करेगी तो सबसे पहले इस सोर्स पाथ को वो टारगेट करने वाला है, राइट? तो सोर्स कोड इसी के अंदर होगा, राइट? ओके, यहाँ पे ये अभी यू नो दे नहीं रहा है मुझे ऑप्शन। ओके, मैं क्या करता हूँ गाइस, दूसरे तरीके से क्रिएट कर लेता हूँ। फिनिश का ऑप्शन एक्चुअली नहीं दे रहा था। सिस्टम एक्सप्लोरर, और यहाँ पे जाएंगे इस एप्लीकेशन SRC के अंदर, मेन के अंदर। यहाँ पे न्यू फोल्डर बना लेते हैं, लेट्स से जावा। ओके, दैट्स इट। तो गैस यहाँ पे देख सकते हैं, अभी रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो गैस यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट होगा। अच्छा गैस, यहाँ पे जो मैंने कॉन्फिगर किया था ये मैं बता देता हूँ, web.mvc क्यों किया था उसको बता देता हूँ। क्योंकि गैस web.mvc एक तरह से रूट पे है, क्योंकि web.mvc डिपेंड करता है AOP, स्प्रिंग कोर, बहुत सारी चीज़ों की डिपेंडेंसीज होती हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं अगर आप सिर्फ web.mvc को ऐड कर लो, तो आपको AOP, कोर, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ पे यू नो आप देखोगे गैस, यू नो ये सारी पहले इनिशियल लेवल पे नहीं थी। जैसे मैंने ये डिपेंडेंसी का पोर्सन यू नो कॉन्फिगर किया pom.xml फाइल में, यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिलता है। यू नो कोर web.mvc, स्प्रिंग AOP, स्प्रिंग बीन्स, कॉन्टेक्स्ट, स्प्रिंग कोर एंड मेनी मोर। ओके, तो इसलिए यहाँ पे यू नो हम लोग इसे कॉन्फिगर करते हैं, राइट? ओके, मतलब वो जो जार फाइल की डिपेंडेंसीज है वो ऑटोमेटिकली हमें मिल जाती है अपने हमारी एप्लीकेशन में, राइट? ओके फाइन। अब गाइस ये फाइल यूज़ करेगी ऐप कॉन्फिग, तो रिसोर्स के अंदर आपको क्रिएट करना है एक एग्जाम्पल फाइल, लेट्स से अदर्स। अच्छा गाइस, हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो, आप बोर भी हो सकते हो, लेकिन गाइस डेफिनेटली ये वीडियो यू नो यूज़फुल होगी। तो क्योंकि प्रोजेक्ट की ओर बढ़ने के लिए धीरे धीरे पूरे प्रोजेक्ट का सेटअप करना है हम लोगों को, तो जिस तरह से एक एक्चुअली इंडस्ट्री में एप्लीकेशन बनती है उसी तरह से सोच रहा हूँ अचीव करूँ, राइट? ओके फाइन, ऐप कॉन्फिग XML, और यहाँ पे मैंने इसे फिनिश किया। ओके, तो यहाँ पे भी बन जाता गाइस, लेकिन मेन यहाँ वाले पे टारगेट करना, राइट? अब इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, तो मैं एक पुराने वाले प्रोजेक्ट से कहीं से उठा के पुनः कंटेंट पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है? ये रहा मेरा, ठीक है, इतने पोर्शन को कॉपी करता हूँ, जस्ट मिनट। ओके, पूरे को कॉपी करते हैं पहले, और यहाँ पे यू नो कंट्रोल A कंट्रोल V। ओके, और ये पुराना वाला प्रीवियस वाला क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ से ये सब कुछ हटा दूँगा मैं। ओके ओके फाइन, और इसको मैं बंद कर देता हूँ, दैट्स इट। ओके फाइन, अब गाइस यहाँ पे देखो, ये मैंने क्रिएट कर दिया, और web.xml के करस्पॉन्डेंस एक क्लास क्रिएट करनी है। अभी हम लोग क्लास बेस्ड मतलब जावा बेस्ड कॉन्फिगर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं, अच्छा नेमिंग कन्वेंशन, हम लोग एप्लीकेशन को क्रिएट करते हुए अच्छा नेम नहीं दिया अपने प्रोजेक्ट का, आप लोग दे सकते हो अपने केस में, मैंने नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन अंदर क्लासेस का नेम तो सही से दे सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे लेट से वर्ड काउंट, ओके वर्ड काउंट एप्लीकेशन है, तो वर्ड काउंट, और यहाँ पे लिख लेते हैं वेब, मतलब web.xml है इसलिए वेब कॉन्फिग, ठीक है, ये क्लास नेम रखते हैं। ओके, अभी गाइस मैं बोल रहा था कि बाय डिफॉल्ट नेचर क्या है टॉमकैट का, web.xml को टारगेट करता है। अभी मैं बोल रहा हूँ कि नहीं क्लास को टारगेट करो, कैसे टारगेट करेगा, तो इसको बताने के लिए आपको करना क्या है गाइस, उसका बेसिक नेचर चेंज करने के लिए आपको करना क्या है, ऐड पे क्लिक करना, और यहाँ पे आपको सर्च करना है वेब एप्लीकेशन इनिशियलाइजर। मेरे में ऑटोमेटिकली आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट यस आ रहा है, आपके केस में अगर नहीं आ रहा तो आपको सर्च करना है web.xml फाइल, इस तरह से यू नो मिल जाएगा ये देखो, ठीक है? तो वेब एप्लीकेशन इनिशियलाइजर, ओके सो दिस वन, और आपको ये इम्प्लीमेंट्स करना है। इसके अंदर एक ऑन स्टार्टअप नाम का मेथड होगा जिसे आपको ओवरराइड करना होगा, राइट? अच्छा यहाँ पे पैकेज नेम प्रोवाइड कर देते हैं, लेट्स से com.program.config, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं सारी चीज़ों का, राइट? ओके, तो इसे आप अज्यूम कर सकते हो दिस इज माई web.xml फाइल, राइट? अभी के लिए इस तरह से समझो। ओके, अब गाइस इसके अंदर क्या कोड करने वाला है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, राइट? तो सबसे पहला स्टेप क्या है गाइस, पहला स्टेप है क्रिएट डिस्पैचर सर्वलेट DS, और दूसरा स्टेप है रजिस्टर डिस्पैचर सर्वलेट, राइट? तो करना कैसे, क्रिएट कैसे करेंगे, डिस्पैचर जल्दी से करता हूँ,
राइट। अब यहाँ पे गाइस आप देख रहे होगे ओवरलोडेड है कंस्ट्रक्टर, राइट। मैं क्या सेकेंड वाला यूज़ करूँगा, ठीक है, क्यों यूज़ कर रहा हूँ, और सेकेंड वाले में जो पैरामीटर्स में यू नो क्या भेजूँगा गाइस। गाइस जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे वेब डॉट एग्जीमल फाइल इनडायरेक्टली एक एफ कॉन्फिक फाइल यूज़ करती है, राइट। तो उसका आपको इंस्टेंस बनाना है, उसे आपको एज एन आर्गूमेंट पास करना होगा। तो यहाँ पे कैसे पास करेंगे, वही है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो वेब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, इट मींस दैट यहाँ पे आपको क्रिएट करना होगा। अच्छा, एग्जीमल फाइल यूज़ करेगा वेब डॉट एग्जीमल फाइल, अभी हमने क्लास बना दिया उसके लिए। अब क्लास से एग्जीमल फाइल ऐप कॉन्फिक फाइल ये मैंने बनाया, तो इस फाइल को यूज़ करेगा, कैसे इस फाइल को यूज़ करेगा, राइट। इसको कैसे, क्योंकि ये एग्जीमल फाइल है, इसके लिए भी क्लास बनाएंगे, लेकिन अभी हम लोग एग्जीमल ही बना के रख रहे हैं, ठीक है, इसके लिए मैंने क्लास नहीं क्रिएट की है। तो उसको आपको यू नो पिक करने के लिए एग्जीमल वेब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, राइट। ओके, यहाँ पे क्या करना है, वेब ए सी, ओके, सेट कॉन्फिग लोकेशन, मतलब किस लोकेशन से वो एग्जीमल फाइल पिक करना है। तो यहाँ पे क्लास पाथ यूज़ करते थे, क्लास पाथ, ओके, दैट्स इट, ये हो गया गाइस। और इसका ये इंस्टेंस यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है, जस्ट मिनट, कॉपी एंड पेस्ट, सिंपल। तो गाइस क्या हुआ, वेब डॉट एग्जीमल फाइल, मतलब अगर उसके टर्म्स में समझो कि इसने डिस्पैचर सर्वलेट ने इस फाइल को यूज़ कर लिया यहाँ पे, राइट, इस तरह से समझो, ओके। अभी हमारा डिस्पैचर सर्वलेट क्रिएट हो गया, अब रजिस्टर करना है सर्वलेट को, डिस्पैचर सर्वलेट को रजिस्टर करना है, कैसे करेंगे गाइस। अच्छा, हम लोग जानते हैं गाइस डिस्पैचर सर्वलेट मतलब फ्रंट एंड कंट्रोलर कहाँ पे क्रिएट होता है, सर्वर पे, मतलब सर्वर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, राइट, क्योंकि वेब डॉट एक्सएमएल फाइल को सर्वर यूज़ करता है, जैसे टॉम कैट। तो टॉम कैट क्या करेगा गाइस, ये जो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट है, राइट, उसके थ्रू आपको यू नो रजिस्टर करना पड़ेगा। अब गाइस यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है आपका, पैरामीटर में आपकी स्ट्रिंग है, तो आप बेसिकली डिस्पैचर का नेम प्रोवाइड कर सकते हो कुछ भी, लेट से माई डी एस, माई डिस्पैचर सर्वलेट हो गया, और यहाँ पे डी एस का इंस्टेंस, ठीक है। वेब डॉट एग्जीमल फाइल तो अभी यूज नहीं हो रही, ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं इस एप्लीकेशन को। तो सबसे पहले एक बार बिल्ड कर लेते हैं एप्लीकेशन को, रन एज मैवन इंस्टॉल, ओके गाइस, यहाँ पे हमें एक एरर देखने को मिल रही है, जस्ट मिनट, बिल्ड फेलियर। अच्छा गाइस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्या हुआ कि मैंने रन तो किया गाइस, लेकिन यहाँ पे बिल्ड फेल हो गया, इट मींस दैट यहाँ पे ये फेल क्यों हुआ गाइस, क्योंकि गाइस यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हमें बिल्ड करने के लिए, जस्ट मिनट, यहाँ पे हमें सर्वलेट एपीआई की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमें पॉम डॉट एग्जीमल फाइल में यू नो मेंशन करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आएंगे गाइस, और यहाँ पे सर्च करेंगे सर्वलेट एपीआई, आप सिंपली लिख दो सर्वलेट एपीआई, स्प्रिंग सर्वलेट एपीआई करते हैं, राइट। तो गाइस इस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको जो भी वर्जन्स हैं उन वर्जन में से कोई वर्जन आपको चूज करना होगा, तो इसे आपको कॉपी कर लेना है इस पोर्शन को, और आपको अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पे डिपेंडेंसी के सेक्शन में यू नो पेस्ट करना होगा, और कंट्रोल शिफ्ट एफ फॉर्मेटिंग कर देना है सिंपली। और गाइस एक चीज़ और करना है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, यहाँ पे वर्जन आपको चेंज कर लेना है, जो भी आप यू नो जावा का वर्जन यूज़ कर रहे हो, मेरे में यू नो जावा 8 है, इसलिए मैं यहाँ पे 1.8 कर रहा हूँ, ओके ओके, फाइनली इसको कंट्रोल एस करते हैं गाइस, और इसको अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, जस्ट मिनट, और आप अपडेट भी कर सकते हो, मैंने सेव किया तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया है मेरा। तो गाइस यहाँ पे एक चीज़, ये जो 1.8 लिखने का मकसद था गाइस, यहाँ पे लाइब्रेरीज़ को अगर ओपन करोगे गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हो 1.8 आ गया, ओके, जब मैंने बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट किया था 1.7 आ रहा था मेरे केस में, हो सकता है आपके केस में भी आ रहा हो, राइट, एक बार चेक कर लो, उसके हिसाब से यहाँ पे वर्जन आप चेंज कर सकते हो, राइट, ओके। अब गाइस मैं इसको फिर से रिलॉन्च करता हूँ, और फिर से एप्लीकेशन यू नो रन करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा सर्वर रन हो चुका है, अगर मैं सर्वर को ओपन करके दिखाऊँ, ओके, मतलब कंसोल में जो स्टेटमेंट्स आते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं गाइस वेब डॉट एग्जीमल फाइल में जो कुछ भी हम लोग कॉन्फ़िगर करते थे यू नो
हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाता था और उसमें सारा इस तरह से स्टेटमेंट आता था। लेकिन गाइस अब हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्पैचर सर्वलेट को हमने फाइंड आउट करने वाले हैं। मतलब यहाँ पे गाइस लेट्स से जस्ट मिनट मैं दिखाता हूँ। ओके यहाँ पे क्या है गाइस, मैंने डिस्पैचर सर्वलेट का माई डी एस नाम रखा है, राइट। सर्च करूँ माई डी एस तो नहीं मिलेगा। और गाइस आपको याद होगा कि माई डी एस इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि गाइस जैसे ही सर्वर रन होगा वैसे ही मैं चाहता हूँ कि हमारा डिस्पैचर सर्वलेट इनिशियलाइज हो जाए, लेकिन क्या है अभी नहीं हुआ। इट मींस दैट जब कोई एक रिक्वेस्ट आएगी देन ये डिस्पैचर सर्वलेट इनिशियलाइज होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि सर्वर के स्टार्टअप के टाइम पे इनिशियलाइज हो जाए। जैसा कि आपको याद होगा कि वहाँ पे हम लोग लोड ऑन स्टार्टअप करते थे, आपको याद होगा, राइट। तो गाइस इसी तरह से यहाँ पे भी आपको करना होगा कि डिस्पैचर सर्वलेट नहीं मिल रहा है, इट मींस दैट कि हमारा डिस्पैचर सर्वलेट अभी इनिशियलाइज नहीं हुआ है फ्रंट एंड कंट्रोलर। ओके तो सबसे पहले करना क्या है गाइस, ये समझो कि ये रिटर्न क्या करेगा, एट सर्वलेट। एट सर्वलेट रिटर्न करेगा वॉट, मैं थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहूँगा गाइस। क्या गाइस इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, पहले तो ये बताइए, क्लास ए और ये कर ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लास बी, इट्स अ करेक्ट सिंटैक्स और नॉट, बस ये आपको बताना है। मतलब कि एक क्लास के अंदर एक नेस्टेड क्लास हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, यस और नॉट, यस डेफिनेटली। उसी तरह से अगर मैं बोलूँ इंटरफेस के अंदर क्या हम एक और इंटरफेस बना सकते हैं, तो ये भी वैलिड है, राइट। तो गाइस अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ बी को, तो कैसे एक्सेस करेंगे गाइस, ए डॉट, जस्ट मिनट यहाँ पर दिखाता हूँ, ए डॉट बी। गाइस देख सकते हो यहाँ पे इंटेलिजेंस में मुझे शो भी करने लगा, ठीक है, और बी आ गया गाइस। तो जस्ट सिमिलर, ये दिखाने का मेन मकसद था गाइस कि इसका जो रिटर्न टाइप है वो ये है, ये क्या है, एक इंटरफेस है, डॉट करोगे डायनेमिक, एक इंटरफेस है। जो अप्रोच मैंने यहाँ पे बताया है नेस्टिंग वाला, वही अप्रोच है। मतलब सर्वलेट रजिस्ट्रेशन पैरेंट है और उसके नेस्टिंग में डायनेमिक सर्वलेट इंटरफेस डिफाइन किया गया है। आप इसकी डेफिनेशन, सबसे पहले तो इसका रिटर्न टाइप किसी वेरिएबल पे होल्ड कर लेते हैं, लेट्स से सर्व, ओके ठीक है। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, ये देख सकते हो पब्लिक इंटरफेस, ओके यहाँ पे अगर आप गाइस देखोगे पब्लिक इंटरफेस, ओके। अच्छा गाइस एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये जो सर्वलेट 3.0 है ना, मतलब 3.0 से अबव का वर्जन होना चाहिए आपका, तभी आप बिना web.xml फाइल के डिप्लॉय कर सकते हैं। अच्छा कहने का मतलब है, आप पे थोड़ा सा एक्सप्लेन और करूँगा, जो web.xml फाइल है Tomcat क्या है, एक सर्वर है, बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर जो है उसका जो सर्वलेट होता है, ठीक है, सर्वलेट का जो वर्ज़न है, ठीक है, जैसे Tomcat 9 मैं यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें डेफिनेटली जो है 3.0 से अबव का सर्वलेट है, ठीक है। अगर उससे बिलो है आपका वर्जन 3.0 से, तो आप बिना web.xml फाइल के सर्वर पे अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय नहीं कर सकते, मतलब जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे गाइस देख सकते हो यहाँ पे मेंशन भी किया गया है सर्वलेट 3.0। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो सर्वलेट रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा गाइस कि इसी के जस्ट अंदर हमारा है व्हाट, डायनेमिक, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो सर्वलेट रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंड्स किया हुआ है, लेकिन क्या है इसका पैरेंट है गाइस, मैं दिखा सकता हूँ, ये देखो गाइस सर्वलेट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, इसकी नेस्टिंग में मेरा इंटरफेस डायनेमिक है, ओके। उम्मीद करता हूँ ये आपको दिख रहा होगा प्रॉपरली, ओके, नहीं तो आप अपने कोड में देख सकते हो, ठीक है। ये अब गाइस क्या है, यहाँ पे देख सकते हो लोड ऑन स्टार्टअप प्रायोरिटी वही काम करने वाले जो हम लोग करते थे web.xml में, फाइन, अभी इतना सफिशिएंट है। अभी मैं इसको जल्दी से क्लोज करता हूँ, वापस से अपने कोड पे आता हूँ और इसका नाम लेट्स से मैपिंग करते हैं सर्वलेट, ओके, लेट्स एड मैपिंग। हम लोग जानते हैं हम लोग फ्रंट एंड कंट्रोलर की जो इनिशियल URL मैपिंग करते थे वो इस तरह से यहाँ पे कर सकते हो, डबल कोट स्लैश, और इसके अंदर लेट्स से हमारी वेब एप्लीकेशन होगी world count.com, राइट। लेकिन हम लोग अभी ऑनलोड स्टार्टअप की बात कर रहे थे,
तो अभी मैपिंग के लिए मैं इसको भी लिखना था, ठीक है, सर्वलेट डॉट ओके। यहाँ पे गाइस क्या करना है कि हम लोगों को मेंशन करना है व्हाट वन, इट मींस दैट कि जैसे ही हमारा सर्वर स्टार्ट हो तुरंत मेरा डिस्पैचर सर्वलेट स्टार्ट आई मीन इनिशियलाइज हो जाए। अभी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोगों को नहीं मिल रहा है माई डी एस, राइट, जो कि मेरा डिस्पैचर सर्वलेट का नेम है, नहीं मिल रहा है, स्ट्रिंग नॉट फाउंड। लेकिन अगर अभी मैं इसको यू नो सेव कर देता हूँ, अभी मैंने सेव नहीं किया था, अभी कंट्रोल एस एंड अगेन अगर मैं और अगेन मैं इसको रन एज रन ऑन सर्वर नेक्स्ट फिनिश, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग माई डी एस आ चुका है बिना सर्च करने की ज़रूरत नहीं। अगर फाइंड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट होकर दिख जाएगा। तो गाइस हम लोगों ने देखा किस तरह से यू नो जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है गाइस कि अभी यूआरएल मैपिंग कर देते हैं यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे अभी इस फाइल का एक्चुअली कोई यूज़ नहीं है, मैं दरअसल ओके मैंने ऑलरेडी इंडेक्स रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे क्यों रख के रखा हूँ मैं, मैंने डिलीट कर दिया था इनिशियली क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ओके फाइन, आप गाइस हम लोग टोटली जावा बेस्ड चीज़ों को कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, मतलब वेब डॉट एग्जाम्पल फाइल और एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल, इन दोनों ही एग्जाम्पल फाइल को मैं रिमूव करने वाला हूँ। और गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ, जो ये तरीका मैंने यूज़ किया है डिस्पैचर सर्वलेट को कॉन्फ़िगर करने के लिए, इसके अलावा एक और तरीका है जो ज़्यादातर प्रोडक्शन में यूज़ होता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के बारे में डीप एंड डाइव भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। अब गाइस इस एप्लीकेशन को पहले एक बार ही टेस्ट कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग यू नो एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल और वेब डॉट एक्सएमएल फाइल दोनों को डिलीट करेंगे, राइट। तो गाइस इसके लिए क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस पर राइट क्लिक, न्यू क्लास, एक कंट्रोलर बेसिकली बनाऊँगा जिसका नाम रख लेता हूँ लॉगिन कंट्रोलर। आप नेमिंग कन्वेंशन कुछ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन गाइस अभी आप सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो तो मतलब इसी को फॉलो करिए गाइस। तो यहाँ पे पैकेज नेम भी चेंज करूँगा मैं, ओके। तो इसको मैं एनोटेट करूँगा एट कंट्रोलर, जैसे स्प्रिंग कोर में कंपोनेंट यूज़ करते हैं, जस्ट सिमिलर, लेकिन ये वेब एप्लीकेशन है। यहाँ पे कुछ भी नया नहीं गाइस, ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं अपनी सीरीज़ में, तो यहाँ पे कुछ भी यू नो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी पता होगा, राइट। तो यहाँ पे रिटर्न हेलो लॉगिन, ठीक है, और ये मैंने फिनिश कर दिया, राइट। और यहाँ पे यूआरएल में किस तरह से एक्सेस करेंगे, तो रिक्वेस्ट मैपिंग करनी होगी हमें, लेट्स से यहाँ पे लॉगिन, ओके। ये एक स्ट्रिंग है, एक्चुअली पेज नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे रिस्पॉन्स बॉडी हमें यूज़ करना पड़ेगा। सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर करके रखी हुई हैं, ओके। अब गाइस ये बेसिकली जो ऐड कंट्रोलर, ये जो एनोटेशंस है, इसको एक्टिव करने के लिए हमें एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में यू नो इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा वन लाइन में। कैसे गाइस, आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो अभी याद आ जाएगा गाइस, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट स्कैन यूज़ करना होता है, ओके। तो मैं इसको सेल्फ क्लोजिंग करूँगा और यहाँ पे मैं उस पर्टिकुलर पैकेज को टारगेट करूँगा जिसके अंदर मैंने एनोटेट करके रखा हुआ है ऐड कंट्रोलर। तो मैंने बोला कि इस पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं, अभी तो एक ही क्लास है, जितने भी ऐड कंट्रोलर से एनोटेट हैं उसको आप टारगेट करो। तो ये कॉन्फ़िगर हो गया गाइस, हमारे एनोटेशंस जो भी हैं एक्टिव हो गए। अभी गाइस इसको चेक करके देखते हैं सर्वर पे ये रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे रिलॉन्च कर लेते हैं जस्ट, और कुछ नहीं करेंगे, और देखते हैं यहाँ पे रन करके कि अभी चलता है गाइस कि नहीं, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने यूआरएल मैपिंग दे रखी थी डिस्पैचर सर्वलेट को कॉन्फ़िगर करते हुए worldcount.com, उसके बाद फाइनली हम लोग अपने हैंडलर का नेम रखेंगे जो भी लॉगिन अभी दिया है मैंने, ओके। यहाँ पे 404 की एरर आ रही है, इट मींस दैट समथिंग वेंट रॉन्ग, वेयर इज़ द मिस्टेक, लेट मी चेक गाइस, ओके वर्ड काउंट। गाइस यहाँ पे आप एंड में एस्ट्रिक्स यूज़ कर लो स्टार, ओके, ताकि सारी रिक्वेस्ट जो भी आप एक्सेस कर सको इजीली, ओके। फाइनली मैंने फिर से इसको रिफ्रेश किया गाइस, ओके गाइस यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट आ गया हेलो लॉगिन, राइट। अब गाइस देख चुके हैं हम लोग ये सारी चीज़ें, आप क्या करने वाले हैं, वेब डॉट एक्सएमएल फाइल को सबसे पहले मैं डिलीट करने वाला हूँ। ये मैंने किया डिलीट, ओके फाइनली डिलीट हो गया, ओके। अभी भी चलेगी क्योंकि हमारी वेब डॉट एक्सएमएल फाइल की जगह मेरा वर्ड काउंट वेब डॉट वेब कॉन्फिग जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड किया है वेब एक्सएमएल फाइल के करस्पॉन्डेंस, लेकिन ऐप कॉन्फिग के करस्पॉन्डेंस नहीं प्रोवाइड किया है, तो इसको भी रिमूव करने वाले हैं। तो गाइस क्या करने वाले हैं, इसको मैंने किया डिलीट, ओके ये हो गई डिलीट। अब गाइस अगर मैं इसको फिर से रन करता हूँ तो डेफिनेटली अभी इसको मैं इसको रिलॉन्च कर लेता हूँ और फिर से इसको रन करने की कोशिश करता हूँ गाइस, तो यहाँ पर आपको एरर मिलेगी 500 इंटरनल सर्वर एरर, ओके।
अब इसके लिए हम लोग जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो कॉन्फ़िग पैकेज के अंदर हम लोग एक क्लास क्रिएट करेंगे जो कि स्प्रिंग एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करेंगे। तो इसका नाम ही रख लेते हैं स्प्रिंग एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कॉन्फ़िग। ठीक है, फिनिश किया। अब गाइस हम लोग जानते हैं जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग कैसे ऐड कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन यूज़ करते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि गाइस मेरी स्प्रिंग कोर सीरीज़ तो मस्ट है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, चाहे स्प्रिंग बूट हो, चाहे स्प्रिंग MVC हो, कुछ भी सीखना है गाइस, इवन स्प्रिंग AOP हो, स्प्रिंग सिक्योरिटी हो, कुछ भी सीखना है गाइस, स्प्रिंग फ्रेमवर्क स्प्रिंग कोर मस्ट है आपके लिए, राइट। ओके फाइनली गाइस हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोगों ने वहाँ पे एग्जाम्पल फाइल में कॉम्पोनेंट स्कैन यूज़ किया था, यहाँ पे भी एनोटेशन यूज़ कर सकते हैं कॉम्पोनेंट स्कैन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे बेस पैकेजेस, जो कि नेमिंग कन्वेंशन आपको पता है, बेस पैकेजेस कैमल केस में रहेगा, राइट। यहाँ पे क्लास पाथ और यहाँ पे वो पैकेज नेम, यहाँ पे ये कंट्रोलर और ये मैंने किया पेस्ट, दैट्स इट, सिंपल। ये देखो गाइस कुछ भी नहीं किया, सिंपल है, ठीक है। अभी फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं, रिलॉन्च करते हैं पहले तो, ठीक है। और यहाँ पे आके रिफ्रेश करके देखते हैं क्या चलने लगा गाइस। तो यहाँ पे बोल रहा है जस्ट मिनट, वन सेकेंड, समथिंग वेंट रॉन्ग, वेयर इज द मिस्टेक, जस्ट मिनट गाइस, लेट मी चेक वेयर इज द मिस्टेक। ओके गाइस यहाँ पे ये मुझे यूज़ नहीं करना होगा आई थिंक, ठीक है, तो ये रिमूव करना है आई थिंक। ओके आई एम प्रिटी श्योर बिकॉज मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गया था। ओके नाउ फिर से एक बार चेक करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, फिर उसके बाद रिलॉन्च करते हैं एंड अगेन हम फिर से इसे टेस्ट करके देखते हैं यहाँ पे। ओके स्टिल यू आर गेटिंग एरर, वाई फिर। ओके गाइस अच्छा यहाँ पे मेरे से एक बड़ी मिस्टेक हो रही है, वो मेरे से स्किप हो रहा था गाइस। देखो अभी हम लोग एग्जाम्पल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, ठीक है, तो एग्जाम्पल के करस्पॉन्डेंस मैंने रिप्लेसमेंट कर दिया स्प्रिंग एप्लीकेशन कॉन्फ़िग क्लास, इट्स गुड, सब कुछ सही है गाइस। लेकिन अब गाइस प्रॉब्लम ये है कि स्प्रिंग एप्लीकेशन कॉन्फ़िग फाइल को डिस्पैचर सर्वलेट से अटैच कैसे करेंगे, कनेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है, उसका रेफरेंस कैसे जाएगा, राइट। क्योंकि गाइस अगर आपको मैं यहाँ पे क्लास ओपन करके दिखाऊँ, वेब डॉट एग्जाम्पल के करस्पॉन्डेंट जो मैंने क्लास बनाई थी, वर्ड काउंट वेब कॉन्फिग फाइल क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग एग्जाम्पल बेस्ड कॉन्फिग्रेशन प्रोवाइड कर रहे थे तो एग्जाम्पल वेब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट हम लोगों ने क्लास का यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, जावा बेस्ड कॉन्फिग्रेशन कर दिया है, राइट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल फाइल नहीं है, तो कैसे आप यूज करोगे गाइस। तो आपको यूज करना है व्हाट, यहां पे एनोटेशन कॉन्फ़िग, जैसे कि स्प्रिंग कोर में होता था एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ये वाला फर्स्ट वाला। लेकिन आपको यहां पे क्या करना है, वेब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, जस्ट वन थिंग आपको ऐड करना है, दैट्स इट। यहां पे रजिस्टर यूज करेंगे गाइस बेसिकली। ओके रजिस्टर, मुझे इंटेलिजेंस में क्यों नहीं शो कर रहा है। ओके रजिस्टर आ गया गाइस। और यहाँ पे वो क्लास नेम जो भी आपने क्लास बनाई है, अभी मैंने क्लास कौन सी गाइस बनाई है, स्प्रिंग एप्लीकेशन कॉन्फ़िग, ठीक है, स्प्रिंग एप्लीकेशन कॉन्फ़िग डॉट क्लास, दैट्स इट। ओके अब गाइस इस पर्टिकुलर थिंग को मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, डिलीट करने के बजाय, ठीक है, कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। एट द एंड जब पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, ये पूरा प्रोजेक्ट मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आपको ये पूरा चीज़ मिल जाएगा, राइट। तो इसकी चिंता मत करिए गाइस। WAC को मैंने कॉपी किया और इसमें अभी पास कर देता हूँ, राइट। तो गाइस अब गाइस मैं इसको रिलॉन्च करता हूँ, रीचेक करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं हेलो लॉगिन आ गया है, राइट। ओके गाइस अब गाइस यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि गाइस यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें जावा बेस्ड कॉन्फिगर करके अचीव कर ली हैं और ये चलने भी लगा है। लेकिन लास्ट चीज़ बची है उसको भी कवर कर लेते हैं गाइस, वो ये है कि अभी ये एक्चुअली पेज के साथ मैनिपुलेट नहीं कर रहा है, ये नॉर्मल स्ट्रिंग है जो रिस्पॉन्स के रूप में ब्राउजर को हमें मिल रही है। लेकिन हमें करना क्या है गाइस कि अभी पेज के साथ मैनिपुलेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा जिसका नाम रख लेता हूँ JSP, और इसके अंदर मैं पेजेस बना लेता हूँ, लेट्स से वन सेकेंड, इस पर राइट क्लिक करते हैं अगेन एंड JSP फाइल, इसका नाम रख लेता हूँ login.jsp। और गाइस आपको याद होगा कि हम लोग पहले तो यहाँ पे लिख देता हूँ फिर बात करता हूँ मैं आगे, हेलो लॉगिन पेज, ठीक है, क्योंकि ये पेज है, ठीक है।
अब गाइस अगर मैं वापस से लॉगिन कंट्रोलर पे आता हूँ, अब गाइस यहाँ पे स्ट्रिंग के बजाय मैं क्या करूँगा, लॉगिन पेज नेम भेजूंगा। अब गाइस बात वही आती है कि हम प्रीफिक्स और सफिक्स में वो कंटेंट कैसे भेजेंगे, राइट। तो उसके लिए हम लोग एप्लीकेशन स्प्रिंग एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर हम लोग क्या करते थे गाइस कि व्यू रिजॉल्वर को कॉन्फ़िगर करते थे। अब गाइस हमने क्या कर दिया, जावा बेस्ड कॉन्फ़िगर कर दिया। तो वहाँ पे किस तरह से व्यू रिजॉल्वर को कॉन्फ़िगर किया जाता है वो भी इसी वीडियो में देख लेते हैं ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। Spring application configuration file, तो here we are going to mention bean, okay, bean annotation का use करना है और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे public, okay, public what? Internal resource, आपको याद होगा internal resource class, ठीक है, view resolver, internal resource view resolver, right? यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक object बनाते हैं internal view resolver। ठीक है, इतना हो गया गाइस, ये फाइनली हो गया गाइस। और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न VW, दैट्स इट, ओके। ठीक है गाइस, ये फाइनली मेरा व्यू रिजॉल्वर हो गया है। और अगर मैं यहाँ पे वापस से आता हूँ कंट्रोलर पे, तो यहाँ पे पेजेस में रिस्पॉन्स बॉडी को रिमूव कर देते हैं अभी, ठीक है, और इसको रिलॉन्च करके देखते हैं गाइस कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, पेजेस के साथ बेसिकली मैनिपुलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैंने रिफ्रेश किया गाइस और यहाँ पे देख सकते हैं हेलो लॉगिन पेज आ गया, इट मींस दैट ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है गाइस। और सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर लिया, किस तरह से उन्हें कॉन्फ़िगर करते हैं, किस तरह से web.xml फाइल को रिप्लेस किया जा सकता है। तो यहाँ पे web.xml फाइल को मैंने रिप्लेस किया वर्ड काउंट web.config से, और स्प्रिंग एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल मतलब ऐप कॉन्फ़िग फाइल को मैंने रिप्लेस किया स्प्रिंग एप्लीकेशन कॉन्फ़िग जावा क्लास के साथ। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, इफ लाइक इट देन गिव अस थम्स अप एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। We'll meet in next video.